वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ जॉन मॉरिस क्लार्क। सर जॉन मॉरिस क्लार्क के द्वारा दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इनका जो बॉर्न हुआ था और इनका जो पहले की जो पढ़ाई थी US के अंदर नॉर्थहैम्पटन मास में इनका 1884 को नवंबर 30 को इनका बॉर्न हुआ था और डेथ June 27 1963 को हुई थी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एमहर्स्ट कॉलेज से करी थी 1905 में और PhD के लिए अवार्डेड हुए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1910, यानी कि उन्होंने PhD भी करी थी। अगर इकोनॉमिस्ट के रूप में देखा जाए तो क्लार्क का जो नेम है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक के साथ ज़्यादा जाना जाता है। ये अपनी पॉलिसी रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के लिए बहुत फेमस थे और इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने अपने वर्क के अंदर कंप्लीशन भी करा था और वर्केबल कॉम्पिटिशन के कंसेप्ट को भी ये लेकर आए थे। 1961 का जो इनका वर्केबल कॉम्पिटिशन था वो पब्लिश हुआ था। 1923 में इन्होंने एक थ्योरी एस्टेब्लिश करी जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन प्रिंसिपल थ्योरी इन्होंने यहाँ पे 1923 में एस्टेब्लिश करी थी। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल फेमस जो थ्योरी है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसमें इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ कंसेप्ट बताया है। ऐसे और भी इन्होंने थ्योरी बनाई है लेकिन फेमस जो थ्योरी थी वो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल बाय जॉन मॉरिस क्लार्क के नाम से जानी जाती है। इन 1923 क्लार्क एस्टेब्लिश थ्योरी द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल अंडर द इकोनॉमिक्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट विच फोकस्ड ऑन द कंसेप्ट डेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कैन वेरी हार्शली इफ कंज्यूमर डिमांडेड फ्लक्चुएशन एग्जॉस्ट करंट आउटपुट साइज। अब इन्होंने एक्सेलरेशन प्रिंसिपल के ऊपर इकोनॉमिक ओवरहेड कॉस्ट के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल जो था एक्सेलरेशन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है और जो कंज्यूमर का डिमांड फ्लक्चुएशन कंज्यूमर डिमांड चेंज करता है वो किस तरीके से चेंज करता है उसके बारे में बताया। इन्होंने स्टडी करी है कि कंज्यूमर का जो डिमांड होता है प्रोडक्ट के ऊपर कमोडिटी के ऊपर वो कैसे चेंज होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, वो क्या एलिवेटेड होता है, वो किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और इन्होंने जो कीन्स के जो कंसर्न थे जो एग्रीगेट डिमांड के उसको भी यहाँ सॉर्ट आउट कुछ करा है आगे टाइम में। सो इज फॉलोइंग स्टडी ऑफ डिफरेंसेस इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स एज अ बेसिस ऑफ डिविएशन इन एग्रीगेट डिमांड एलिवेटेड सम ऑफ द कंसर्न लेटर कर्ड बाय कीन्स। तो जो कीन्स के द्वारा ये था वो भी उन्होंने बताया है। एंड अक्रॉस द बोर्ड थ्योरिस्ट क्लार्क ऑल्सो स्टडी द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वॉर। इसके अलावा इन्होंने वॉर के बारे में बात करी, इकोनॉमिक कॉस्ट में पब्लिक वर्क के ऊपर भी बात करी है और लेबर मार्केट के ऊपर भी बात करी, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर तो इन्होंने बात करी है तो इंडस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेबर उसके ऊपर भी इन्होंने अपने बात बताई है। अब इनका प्रिंसिपल पढ़ते कि इन्होंने कहा क्या है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल के अंदर। द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल एज एडवांस बाय GM क्लार्क जॉन मॉरिस क्लार्क रेफर्स टू द एक्सेलरेटेड इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए स्मॉल चेंज इन द डिमांड फॉर एन आउटपुट ऑफ ए कंजम्पशन गुड्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका बहुत डिटेल में मीनिंग है। एक्सेलरेटेड इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कैसे पड़ता है, इन्होंने कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर जो कंज्यूमर की डिमांड चेंजेस है फ्लक्चुएशंस है कंज्यूमर डिमांड चेंज करता है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ध्यान दिया है और उसके बेसिस में इन्होंने एक अजम्पशन लगाया, एक प्रिंसिपल बनाया जिसको एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कहते हैं। और वो ये कहता है कि अगर कंज्यूमर डिमांड को चेंज करता है अपने कंजम्पशन गुड्स में किसी भी आउटपुट को लेकर डिमांड को चेंज करता है तो उसका सीधा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाता है। इस चीज़ को इन्होंने दिया है और एक्सेलरेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्होंने एनालाइज करा है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंज्यूमर की इनकम से रिलेटेड। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम आती है तो वो ये देखता है कि कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, दोनों चीज़ें देखता है। जब भी कंज्यूमर की इनकम आती है तो कंज्यूमर की इनकम के दो हिस्से होते हैं,
एक तो उसका कंजम्पशन वाला हिस्सा और एक उसका सेविंग वाला हिस्सा। सेविंग वाले हिस्से को आगे वो इन्वेस्ट करता है। अगर अकॉर्डिंग टू कीन्स देखें तो जो इनकम होती है वो वाई होती है और जो कंजम्पशन होता है वो सी होता है प्लस एस। वाई यानी कि इनकम, कंजम्पशन प्लस सेविंग से निकलती है। तो उसी बेसिस पे इन्होंने लगभग बताया है कि अगर कंजम्पशन इफेक्ट होगा तो सेविंग इफेक्ट होगी और सेविंग इफेक्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे डिमांड अफेक्ट होती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होता है। इन्होंने इसमें बताया कि अगर आप डिमांड कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, क्योंकि आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका जो इनकम का पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम रह जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए कंजम्पशन के आगे रास्ते खुलेंगे, यानी कि अभी कंजम्पशन कम करके इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके वापस ज़्यादा से ज़्यादा इनकम क्रिएट करें, तो दैट रिज़ल्ट आपका जो कंजम्पशन पार्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बात करी है। तो इनका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है कंजम्पशन, भले वो स्मॉल चेंज हो, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ता है। द प्रिंसिपल एल्यूसीडेट्स दैट द नीड ऑफ राइज इन नेशनल इनकम मोस्टली रिजल्ट इन लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटले एंड द रीजन बिहाइंड अमाउंट ऑफ आउटले रिव्यूइंग हिंजेस नॉट ऑन द टोटल लेवल ऑफ कॉमर्स एक्टिविटी। अब इन्होंने एक पॉइंट और बताया है कि नेशनल इनकम को बढ़ाने की नीड ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में है, उसके लिए आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटले लाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना आपका जो कंजम्पशन है वो डिमांड जो है वो अफेक्ट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से आपकी इनकम जो है वो बाद में अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर दिया है और इन्वेस्टमेंट को जोड़ा है डिमांड से, कि आप कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर डिमांड जैसे रखोगे वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी। बट ऑन द वेदर लेवल इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज इन नेशनल इनकम आउटपुट रिजल्ट इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वही वाला रिजल्ट आ गया जैसे कीन्स ने बताया था और प्रोफेसर इन्होंने जो बताया था कि प्रोफेसर कीन्स ने और प्रोफेसर कहन ने जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल वाला जो कंसेप्ट दिया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल वाले कंसेप्ट में भी एक बात बताई थी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट चेंज करते हो तो आपका इनकम भी चेंज होगा, ये भी कंसेप्ट आता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बात करी थी। तो वो वाली बात आ गई यहाँ पे कि आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका जो इनकम है वो दोनों का रिलेशन है, जैसे जैसे इनकम में चेंज आएगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा वैसे वैसे इनकम भी अफेक्ट होगी। तो ये एक कंसेप्ट आता है जो कि कीन्स के साथ साथ यहाँ पर प्रोफेसर कीन्स के साथ साथ प्रोफेसर कहन ने भी यहाँ पे दिया था, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीपल फॉर्मूला के नाम से जाना था कि इन्वेस्टमेंट का जितना आप मल्टीपल करोगे उतना यहाँ पे इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा। और इसी मल्टीपल के ऊपर एक सुपर मल्टीपल भी दिया था जो प्रोफेसर हिक्स ने कंसेप्ट में दिया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीपल यानी कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ेगी जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट को किससे जोड़ा है? इनकम से जोड़ा है। तो इनकम बढ़ेगी घटेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा घटेगा। तो इन्होंने कंजम्पशन के साथ साथ इनकम को भी जोड़ लिया कि इनकम से कंजम्पशन होता है और कंजम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनकम का इफेक्ट है, इनकम का ही पार्ट है। तो यहाँ पर एक इन्होंने कंसेप्ट में अपने थ्योरी में एक्सेलरेटर प्रिंसिपल में दो चीज़ें जोड़ लिया। फर्स्ट इन्होंने जोड़ा है डिमांड को किसके साथ? डिमांड को इन्वेस्टमेंट के साथ। और सेकंड इन्होंने बाद में अपनी थ्योरी में बताई है कि अगर आप इनकम में चेंज करते हैं तो आपका जो डिमांड है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। सो ये एक पॉइंट इन्होंने अपने थ्योरी में दिया है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड से ही अफेक्ट होता है, साथ ही साथ इनकम के साथ भी अफेक्ट होता है। और जैसे जैसे आप इनकम में चेंज करेंगे, छोटा छोटा चेंज करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता रहेगा। चेंज यानी कि या तो पॉजिटिव चेंज, इनकम को इंक्रीज करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, या फिर नेगेटिव चेंज, इनकम को डिक्रीज़ करके इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया जाए।
तो ये एक इन्होंने बताया है इन्वेस्टमेंट मल्टीपल कंसेप्ट के एडिशन में कह सकते हैं, या फिर कीन्स की थ्योरी जो है इन्वेस्टमेंट की उसके एडिशन में ये थ्योरी कह सकते हैं कि जो बताइए ये थ्योरी है। सो आर एफ कैन के द्वारा इन्वेस्टमेंट मल्टीपल जो दिया था 1931 में और कीन्स के द्वारा जो दिया गया था उसके एडिशन में थ्योरी जॉन मॉरिस क्लार्क की लगती है। अब इनके अजम्पशन क्या है, इनका जो प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा कि डिमांड में चेंजेस करने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, और अगर डिटेल में देखा जाए तो इनकम के चेंज करने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी तीन अजम्पशन है, वो थ्री मेन अजम्पशन है उसके ऊपर दी है। सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट माना है, दो पार्ट में माना है, जैसे ऑटोनोमस या फिर इंड्यूस्ड। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है कंपलसरी होंगे, जो कि बेसिकली इनकम पे डिपेंड नहीं, दैट इज़ ऑटोनोमस, और जो कि इनकम पे डिपेंड है वो इंड्यूस। तो दोनों इन्वेस्टमेंट की को माना है इन्होंने अपनी थ्योरी में। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट नॉट ऑन टोटल लेवल ऑफ आउटपुट डिमांड बट ऑन द अमाउंट ऑफ राइस इन NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट और इन टोटल डिमांड। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट आउटले विल राइज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम इज कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट विल कॉन्स्टेंट, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। तो इन्होंने डिमांड के साथ साथ सेकेंड अजम्पशन इनकम का भी लिया है, इनकम इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट, और इनकम डिक्रीज इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। इस कंसेप्ट को इन्होंने अपने अजम्पशन में लिया है और फिर अपनी थ्योरी दी है। साथ ही साथ इन्होंने एक पॉइंट और बताया, थर्ड वाला, द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल आल्सो हाइलाइट्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर्ड विद अदर मैकेनिज्म ऑफ क्यूमुलेटिव डिमांड। एनी चेंज इन परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड में अफेक्ट इन कंसिडरेबल हायर चेंजेस इन परसेंटेजेस ऑफ स्पेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्यूमुलेटिव डिमांड मतलब छोटे छोटे अगर डिमांड भी अफेक्ट होंगे, छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस भी आएंगे डिमांड में, तो भी इन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो इन्होंने एक छोटे छोटे माइनर से डिमांड में चेंज आने को भी यहाँ पे इन्होंने अजम्पशन लिया है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो ह्यूज हायर चेंजेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो इस पॉइंट को भी इन्होंने अपने थ्योरी में माना है। तो तीन मेन अजम्पशन है, पहला अजम्पशन ऑटोनोमस और इंड्यूस कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट जो कि, सेकंड इन्होंने माना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली इनकम के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, डिमांड के साथ साथ इनकम कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, इनकम इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम डिक्रीज इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, जो कि इन्होंने कीन्स और प्रोफेसर कैन के फॉर्मूले के ऊपर अपने कंसेप्ट दिया है। और तीसरा इन्होंने बताया है कि जो छोटे छोटे डिमांड चेंज होने से भी इन्होंने माना है इनकम पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है कम्प्लीटली आउटपुट के ऊपर। अगर इनके जो आइडिया है प्रिंसिपल है वो बेसिकली कंक्लूसिवली देखा जाए तो आउटपुट के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड है। कैसे, आउटपुट ज़्यादा क्रिएट करेंगे इनकम क्रिएट होगा, इनकम के साथ डिमांड होगा, डिमांड से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा। तो इनका वो जो फाइनल पॉइंट है वो देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ आउटपुट पे डिपेंड है। द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट डस्ट इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टमेंट विल बी अनस्टेबल, इन्वेस्टमेंट विल फॉल सिंपली बिकॉज आउटपुट ग्रो स्लोली रेट। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि रेड से टिक करा है कि इन्वेस्टमेंट अगर गिरता है तो उसका रिजल्ट, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो है वो स्लो रेट से चल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट गिरने का रिजल्ट बाद में आउटपुट स्लो हो जाएगा। तो आउटपुट के ऊपर इन्होंने पॉइंट आउट करा है, फॉर इन्वेस्टमेंट रिमेन्स स्टेबल आउटपुट ग्रोथ मस्ट बी कंस्टेंट रेट, इसलिए कंस्टेंट रेट के साथ आउटपुट होना चाहिए जिससे इनकम इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहे। इसके बाद इन्होंने वर्केबल कंपटीशन के बारे में बताया है कि मोनोपोलिस्टिक पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है ज़्यादातर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने अपनी बात करी है। तो एक क्लार्क ने जो है वो वर्केबल कंपटीशन के कंसेप्ट को क्लार्क लेकर आया है। क्लार्क रिप्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिक पावर एग्जिस्ट बट देयर इज इनफ कंपटीशन विच प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड ड्यू टू द एग्जिस्टिंग मोनोपोली। अब मोनोपोलिस्टिक पावर के बारे में बताया इन्होंने, मोनोपोली जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, जहाँ पे मार्केट में सेलर अपना दबदबा रखता है, सेलर किसी भी प्राइस पे किसी भी प्रोडक्ट को बेचता है, सेलर का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा रहता है। तो उसके ऊपर इन्होंने बताया कि सेलर
अब्यूज़ करता है किसको, कंज्यूमर को, जबकि मार्केट में इनफ कंपटीशन है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर अफेक्ट होता है। क्यों अफेक्ट होता है? क्योंकि सेलर जो होता है वो एक मोनोपोलिस्टिक पावर को लेकर चलता है, वो अपनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को लेकर चलता है। तो ये एक वर्केबल कंपटीशन का रिजल्ट बता रखा है इन्होंने कि कंट्री में, हमारे कंट्री में ऐसी इंडस्ट्री भी है जो कि हमारी कंट्री में ऐसी इंडस्ट्री भी है जो कि कंपटीशन से है। जैसे टेलीकॉम में देखा जाए, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इज़, अगर देखा जाए ये वाला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इज इन स्टेट ऑफ वर्केबल कंपटीशन एज मोनोपोलिस्टिक पावर एग्जिस्ट विद अ फ्यू बिग कंपनीज बट देयर इज इनफ कंपटीशन बिटवीन दीज कंपनीज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। पहले इंडियन टेलीकॉम में देखा जाए तो मोनोपोलिस्टिक चलती थी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे अदर कंपनी नहीं थी। इस अब क्या है, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा जाए तो पावर बढ़ गई है, बिग कंपनीज बढ़ गई है। तो क्यों हुआ है? ये वर्केबल कंपटीशन आने की वजह से हुआ है। वर्केबल कंपटीशन यानी कि कंज्यूमर के प्रोटेक्ट के लिए काम करना, साथ ही साथ इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देना, इंडस्ट्री का सेटअप करना, तो इससे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो दैट इज़ अ वर्केबल कॉम्पिटिशन। तो इन्होंने कुछ पॉइंट बताया कि ऐसे कंट्रीज़ में मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोली होती है, तो उस मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक के अंदर जो पावर एग्जिस्ट करती है उसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट के साथ अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट का एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने पॉइंट आउट करा है। इसके बाद इन्होंने कुछ कंडीशन बताई है वर्केबल कंपटीशन कब होती है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वर्केबल कंपटीशन कब होती है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने बात बताई है। इन द लॉन्ग टर्म सेलिंग प्राइस ऑन नॉर्मल शुड बी इक्विवेलेंट टू और नॉट पॉइंटेड अबोव नॉर्मल कॉस्ट। अगर आपको वर्केबल कंपटीशन लाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको जो सेलिंग प्राइस है वो नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेलिंग प्राइस, बेचने वाली जो प्रोडक्ट प्राइस है वो नॉर्मल नहीं रखोगे तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने का जो कंपटीशन है वो चलता रहता है। तो आपको नॉर्मल कॉस्ट मेंटेन करनी, साथ ही साथ नॉर्मल प्राइस, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, वो नॉर्मल रखनी है, इसके ऊपर इन्होंने बताया है। सो दैट प्रॉफिट डू नॉट नोटिसेबली सरप्लस अ नॉर्मल इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइस शुड बी रिस्पॉन्सिव। इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिव आएगा कंज्यूमर को रिस्पॉन्स आएगा और कंज्यूमर यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आएगा। ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन इन्होंने बताई है वर्केबल की कि पॉइंटली सेलिंग प्राइस नॉर्मल होनी चाहिए, जिससे मोनोपोलिस्टिक खत्म हो, मोनोपोली खत्म हो, कॉम्पिटिशन परफेक्ट हो। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन टेक्निक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, नई नई प्रोडक्शन टेक्निक आनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो प्रोग्रेस होता है गेन के साथ वो बहुत अच्छा होता है, प्रोग्रेस तेज़ी से बेनिफिट के साथ बहुत अच्छा होता है। तो इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री जो होनी चाहिए वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, नए नए इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लाकर, नई नई प्रोडक्शन टेक्निक लाकर, अपने इम्प्रूव प्रोडक्ट लाकर। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट होगा वो कवर होगा, साथ ही साथ प्रोग्रेस होगा। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला है कि सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको प्राइस के प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ जाए। ये तीसरी बात इन्होंने वर्केबल कंपटीशन के लिए कही है कि अगर आपको कंपटीशन लाना है मार्केट में तो सेलिंग प्रमोशन पे या सेल्स प्रमोशन पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बायर को अवेलेबिलिटी करानी चाहिए प्रोडक्ट की, साथ साथ उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ प्रोडक्ट के, फीचर्स बताओ, प्राइस बताओ, बट सेल्स प्रमोशन में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ना करें। तो द इंडस्ट्री सेल्स प्रमोशन कॉस्ट शुड नॉट बी सब्सटेंशियली ग्रेटर देन व्हाट इज़ नीड टू कीप बायर इन्फॉर्म्ड ऑफ द अवेलेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। तो स्थिति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दें बहुत ज़्यादा, कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट को भी पार कर जाए, ऐसी प्राइस नहीं होनी चाहिए सेल प्रमोशन की। तो तीन पॉइंट ऐसे इन्होंने बताया जो वर्केबल कंपटीशन लाने में हेल्प करता है, परफेक्ट कंपटीशन लाने में हेल्प करता है। एक तो सेलिंग प्राइस नॉर्मल होनी चाहिए, दूसरी बात प्रोडक्शन टेक्निक पे काम करना चाहिए, इम्प्रूव प्रोडक्ट लाने चाहिए, और साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन की कॉस्ट कम होनी चाहिए, और प्राइस ऐसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की जिससे ईजीली कंज्यूमर खरीद सके।
इसके बाद इन्होंने लास्ट पॉइंट देखा है तो पब्लिक वर्क के ऊपर भी बात करी है, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ साथ इन्होंने पब्लिक वर्क के ऊपर भी, लेबर के साथ साथ पब्लिक यूटिलिटी के ऊपर भी इन्होंने बात करी है। तो ए पब्लिक यूटिलिटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिलीवर्स सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, sanitation, electricity, water and similar service. In many countries, such businesses are owned and operated by the state. However, in the United States, that they are mostly owned by private business and are operated under close governmental regulation. अब पब्लिक यूटिलिटी के ऊपर भी उन्होंने बात करी है कि एक पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो बेसिक प्रोडक्ट, नेसेसरी प्रोडक्ट जो पब्लिक के लिए हेल्पफुल है वो देने, और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सिमिलर सर्विस, ये चीज़ पर्याप्त एडिक्वेट फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ होगी तो कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। एग्जांपल दे रखा यूनाइटेड स्टेट्स, और ये पब्लिक वर्क ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन में होए और तरीके से होए तो वहाँ पर, यहाँ पर बेसिकली पब्लिक वर्क अच्छा होता है। और ये बिज़नेस अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर का, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो प्राइवेट बिजनेसेस ये चीज़ें ऑपरेट करते हैं, बट वो सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर में है। सो इंडिया के अंदर भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ साथ इसके अंदर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ये सर्विसेज एडिक्वेट फॉर्म में होनी चाहिए, पब्लिक वर्क एडिक्वेट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की हर जो लोग है वो सब इक्वल है, तो इक्वल के बेसिस पे उनको देखा जाए तो उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो अदर पर्सन्स को मिलती है। सो दैट इज़ अ पॉइंट जो इन्होंने पब्लिक वर्क के इम्पोर्टेंस के बारे में कहा है। इन इंडिया एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी वुड बी रेलवेज, इंडियन रेलवे, अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। इंडिया में भी हमारे इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, बट इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती गवर्नमेंट लोगों के साथ। एक एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है कि गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक वर्क के फॉर्म में इंडियन रेलवे के नाम से हेल्प करती है। द क्लासिक एक्सप्लेनेशन फॉर द नीड टू रेगुलेट पब्लिक यूटिलिटीज इज दैट दे आर एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इनएविटेबली लीड्स टू कम्पीट और पार्शियल मोनोपोली दैट इज दे आर नेचुरल मोनोपोली। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि पब्लिक यूटिलिटी जो होती है वो एक तरीके से इम्प्रूवाइजेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए उसका, इनएविटेबल होना चाहिए, अनिवार्य रूप से लोगों को मिलनी चाहिए, कंप्लीट मिलनी चाहिए, और भले ही उसके अंदर मोनोपोली क्यों ना हो जैसे इंडिया में रेलवे के ऊपर है, बट ये कंप्लीट होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडियन रेलवे में मोनोपोली है बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लोगों के साथ, तो ये एक पॉइंट बता रखा है कि मोनोपोली भी होनी चाहिए बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो मोनोपोलिस्टिक इन टेंडेंसी अराइजेस फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री फ्रॉम लार्ज कैपिटल कॉस्ट टिपिकल ऑफ सच एंटरप्राइजेस फ्रॉम द इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अमॉन्ग कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। इसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक जो टेंडेंसी है वो भी अफेक्ट होती है, और एंटरप्राइजेस के द्वारा लोगों को लार्ज मात्रा में सुविधाएँ भी मिलती, पब्लिक फैसिलिटी मिलती है, और उसके ऊपर लार्ज कैपिटल भी लगाती है, इसलिए लोग इसकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिसिटी होती है, यानी कि चेंज नहीं होती। क्योंकि अगर रेलवे का एग्जांपल देखा तो रेलवे की डिमांड इनइलास्टिक है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखा जाए रेलवे में बैठने वाला व्यक्ति जो होता है या रेलवे में जाने वाले पर्सन, एक तो कंपेरेटिवली कॉस्ट के फॉर्म में देखा जाए तो अपनी डिमांड को चेंज नहीं करते हैं। सो एक इन्होंने पॉइंट बता रखा है कि कंज्यूमर सर्विस ऐसी होनी चाहिए पब्लिक वर्क के लिए जिसमें डिमांड इनइलास्टिक हो, आपकी शफल नहीं करे कंज्यूमर दूसरी चीज़ों के ऊपर। सो कंज्यूमर एट ऑफ सर्विस फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ द एक्सेस कैपेसिटी डैट नेसेसरी टू मीट डिमांड पीक्स एंड अदर कंसिडरेशन। तो पब्लिक वर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर की डिमांड पे ज़्यादा ध्यान दे, एक्सेस कैपेसिटी के साथ डिमांड को पूरी करने वाली होनी चाहिए, और जो अदर एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की टाइम टू टाइम एडिक्वेट फॉर्म में उनको पब्लिक वर्क मिले, पब्लिक सर्विस मिले, वो भी चीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने पब्लिक वर्क में बताया है। तो बेसिकली हमने तीन थ्योरी के ऊपर बात करी है, पब्लिक वर्क के ऊपर बात करी है, वर्केबल कंपटीशन के ऊपर बात करी है, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी है कि इन्वेस्टमेंट कैसे अफेक्ट होता है डिमांड से,
ये जॉन मॉरिस क्लर्क के द्वारा दिए गए तीन इकोनॉमिक मेन आइडियाज़ जो है वो हमने डिस्कस करे हैं कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कैसे अफेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा देखा जाए तो किस तरीके से वर्केबल कंपटीशन एग्जिस्ट होना चाहिए और पब्लिक वर्क क्या होता है। मेन थ्योरीज हमने जॉन मॉरिस क्लर्क जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट थे उनके पढ़े हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।